हेलो एवरीवन, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने सेरिकल्चर के बारे में पढ़ा था। सेरिकल्चर का इंट्रोडक्शन, दैट मीन्स सिल्क कौन से प्रकार के होते हैं, कौन कौन से सिल्क होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो अलग अलग टाइप के सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं, और उसके अलावा बॉम्बेक्स मोराई जो कि मलबरी सिल्क का प्रोडक्शन करने वाला सिल्क फॉर्म है, उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी किया था डिटेल में। ठीक, आज के वीडियो लेक्चर में हम सेरिकल्चर का या सिल्क कल्चर के मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे सिल्क का प्रोडक्शन होता है। इसके बारे में हम डिटेल में आज स्टडी करेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं सेरिकल्चर के मैनेजमेंट में, कौन कौन से स्टेप्स यूज होते हैं जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है, कैसे कल्चर करते हैं हम सिल्क बॉम को, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। सेरिकल्चर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपको किसी ऑर्गेनिज्म को पालना है, किसी को कल्चर करना है, तो उसके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट देना ज़रूरी है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर आपको पालना है तो ऑब्वियसली बात है आप फेवरेबल एनवायरनमेंट दोगे तभी आप उसको पाल पाओगे। हमने बॉम्बेक्स मोराई के बारे में पढ़ लिया था कि मलबरी सिल्क उससे प्रोड्यूस होता है और मलबरी के पत्ते जो हैं, शहतूत के पत्ते, उनको खा के वो जीवित रहता है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा सेरिकल्चर मैनेजमेंट का या फिर मलबरी सिल्क के मैनेजमेंट का, वो होगा मलबरी के पेड़ लगाना या मलबरी के पौधे लगाना। ठीक है, सो कल्टिवेशन ऑफ मलबरी ट्रीज हमारा सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है या पॉइंट है वो है कल्टिवेशन ऑफ मलबरी ट्रीज। मलबरी के जो ट्रीज हैं उनको कल्टीवेट करना ज़रूरी है। मलबरी ट्रीज नहीं होंगे तो जो मलबरी के जो बॉम्बेक्स मोराई है वो कहाँ क्या खा के जिंदा रहता है। ठीक है, मलबरी ट्रीज की बात करें तो दो स्पीशीज सबसे ज़्यादा यूज की जाती है, मोरस अल्बा और मोरस इंडिका। मलबरी ट्रीज की बात की जाए दो स्पीशीज सबसे ज़्यादा यूज की जाती है, मोरस अल्बा और इंडिका। ये दो मलबरी ट्रीज की स्पीशीज है, मोरस अल्बा और मोरस इंडिका। सबसे ज्यादा मात्रा में यही दो यूज किया जाता है। मोरस अल्बा जो है इसे हम सफेद शहतूत कहते हैं, मोरस अल्बा जो है इसे सफेद शहतूत कहते हैं। ठीक है, अब उसके अलावा मैंने एक चीज और बोली थी कि जो सिल्क वॉर्म होता है बॉम्बेक्स मोराई, छोटा सा कीड़ा होता है पर बहुत ज्यादा मात्रा में ये मलबरी लीव्स खाता है। तो ज़्यादा मात्रा में खाता है मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें मलबरी के पौधे या पेड़ लगाने पड़ेंगे। ठीक, सेकेंड स्टेप की बात करें दैट इज रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। ये तो होगी हमें खाने की बात, सिल्क वॉर्म पे आते हैं। रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, सिल्क वॉर्म्स को भी पालना पोसना है। अब यहाँ की बात करें तो जो सिल्क वॉर्म या सिल्क मॉथ होती है फीमेल, उसके जो अंडे होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, बहुत छोटे, मतलब इतने छोटे अंडे कि अप्रॉक्स 2000 अंडे मिला के, इतने छोटे और इतने हल्के होते हैं कि 2000 अंडे मिलाते हैं तो जाके 1 ग्राम के अप्रॉक्स वेट बनता है। ठीक है, सो एग्स आर वेरी स्मॉल एंड लाइट। यहाँ पर बात करें तो उनके जो अंडे हैं एग्स आर वेरी स्मॉल एंड लाइट, बहुत छोटे होते हैं और हल्के होते हैं। यहाँ पर बात करें तो अप्रॉक्स 2000 एग्स में वन ग्राम, 2000 एग मिलाओ तब जाके शायद 1 ग्राम कंप्लीट हो। ठीक है, तो बहुत हल्के होते हैं। अब स्टेप्स देखते हैं रेयरिंग जो है सिर्फ वॉर्म का कैसे होता है, कैसे इनको कल्चर किया जाता है, कैसे पाला जाता है। पहला तो है कि एग तो है, एग यहाँ पर अगर क्या करना है, सबसे पहले एग को स्टरलाइज करना पड़ेगा, सबसे पहले एग को डिकॉन्टामिनेट करना पड़ेगा ताकि किसी तरह की बीमारी ना आता है। इसके लिए 20% फॉर्मलिन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 20% फॉर्मलिन स्प्रे
20% फॉर्मेलिन को स्प्रे किया जाता है अंडों के ऊपर, ठीक है, स्टरलाइज करने के लिए। ये स्टरलाइजेशन के लिए। उसके बाद बात करें तो जो टेम्परेचर है जिस पर रखा जाता है वो 25 डिग्री सेल्सियस और 80% ह्यूमिडिटी के साथ इन अंडों को स्टोर करके रखा जाता है। टेम्परेचर जो है ऑप्टिमम वो 25 डिग्री, ह्यूमिडिटी 80%, 80% ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी नमी और 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे अंडों को स्टोर करके रखा जाता है मलबरी बीन्स के ऊपर, ठीक है। मैंने बताया था 7 से 10 दिन लगते हैं इन अंडों को हैच करने में, इन अंडों को टूटने में, उससे लार्वा निकलने में, ठीक। तो जब कुछ दिन के बाद लार्वा निकल जाएंगे, ठीक है, कुछ दिन के बाद लार्वा निकलेंगे, यहाँ पे लिख लो आपका संदेश, कुछ समय के बाद ये अंडों की हैचिंग होती है, कुछ समय के बाद ये अंडे टूटते हैं, ठीक है। उसके बाद जब अंडों से लार्वा निकलते हैं तो लार्वा को एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रे में रखा जाता है, इसको रियरिंग ट्रे कहते हैं, ठीक है। हैचिंग के बाद जो लार्वा निकलते हैं तो लार्वा को ट्रांसफर किया जाता है रियरिंग ट्रे में। के लीक्स होते हैं और उसमें कीड़ों को रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हैचिंग के 1 घंटे के अंदर लार्वा जो है खाना स्टार्ट कर देता है मलबरी लीव्स को, आफ्टर हैचिंग विद इन 1 आवर निकलते ही 1 घंटे के अंदर जो लार्वा है वो मलबरी के पत्तों को खाना स्टार्ट कर देगा, यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। फुल्ली ग्रोन जो लार्वा होगा वो अप्रोक्स 5 से 7 ग्राम का होता है, के उसके ऊपर लार्वा को रखा जाता है।
कुछ समय के बाद एक घंटे के अंदर ही लार्वा जो है निकलने के एग से निकलने के एक घंटे के अंदर ही खाना स्टार्ट कर देता है। इसी कारण से उसको मलबरी लीव्स के ऊपर रखा जाता है ताकि जैसे वो खाना स्टार्ट करे उसके पास उसका भोजन ऑलरेडी मौजूद हो। फुल्ली ग्रोन लार्वा जो है वो 5 से 7 ग्राम का होता है मात्र, पर फिर भी वो 2 से 3 किलो मलबरी लीव जो है वो पर डे खा सकता है। ओके, ये तो हो गया रेडिंग के बारे में। थर्ड है माउंटिंग, थर्ड है माउंटिंग, माउंटिंग के बारे में। माउंटिंग में क्या होगा, ये जो लार्वा है ये लार्वा कोकून फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा। कोकून फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ पर कोकून फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। ये कोकून है यही आगे चलते सिल्क प्रोवाइड कराएगा। कोकून का मतलब होता है जो लार्वा है वो अपने माउथ से जो उसका सलेवरी ग्लैंड है, मतलब जो उसका सिल्क ग्लैंड बन चुका है, उससे रेगुलर बेसिस पे मटेरियल बाहर की तरफ छोड़ता रहेगा जो आगे चल के सिल्क बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें माउंटिंग के बाद फोर्थ पार्ट आता है कोकूनिंग। कोकूनिंग, कोकूनिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, सिल्क फ्लूइड जो होता है वो माउथ पार्ट से लार्वा के बाहर आना स्टार्ट होता है, ठीक है। सिल्क फ्लूइड स्टार्ट कमिंग आउट माउथ से, उसका जो माउथ मतलब कि एक तरह से वो जो सिल्क ग्लैंड है उससे हेड रीजन से ये जो सिल्क फ्लूइड है एक लिक्विड की तरह पदार्थ है जो कि हवा में आने के बाद सॉलिड हो जाता है वो स्टार्ट करेगा बाहर की तरफ आना, ठीक है। उसके बाद जैसे ही एयर के कॉन्टेक्ट में आएगा वो हार्ड हो जाएगा, हवा से जैसे ही कॉन्टेक्ट होगा ये जो सिल्क फ्लूइड है वो हार्ड हो जाएगा, धागे की तरह आ जाएगा। कैसे, अगर क्या कहते किसी के मुंह से एक रेगुलर बेसिस पे लिक्विड निकल रहा है पर वो जैसे बाहर निकल रहा है वो सॉलिडिफाई होता जा रहा है, तो धागे का स्ट्रक्चर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ज़रूरी चीज़, ये कोकूनिंग होती क्या है। कोकूनिंग का मतलब होता है कि वो जो सिल्क फ्लूइड है जिससे रस्सी बन रही है, वो सिल्क बन रहा है, उस सिल्क को लार्वा अपने पूरे बॉडी पे लपेटता है और बॉडी पे लपेट के एक तरह से खोल बना लेता है, एक स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है, एक तरह से खोल सफेद रंग का खोल दिखेगा वो बना लेता है। तो कोकूनिंग में क्या है कि लार्वा जो है अपने हेड को लगभग 1 मिनट में 70 से 80 बार मूव करता है। यहाँ पे पॉइंट है, लार्वा मूव्स इट्स हेड rocks 70 to 80 times per minute, 1 मिनट में 70 से 80 बार जो है अपना हेड जो है वो मूव करता है, ठीक है। 2 से 4 दिन में कोकूनिंग जो है कंप्लीट होती है।
चार दिन कोकूनिंग जो है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। और लार्वा जो है, जैसे ही कोकूनिंग कंप्लीट होती है, लार्वा जो है वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। लार्वा कन्वर्ट या ट्रांसफॉर्म इनटू प्यूपा। और ये जो प्यूपा होता है वो इनएक्टिव होता है, प्यूपा जो है वो इनएक्टिव होता है। लार्वा तो एक्टिव था, भोजन कर रहा था, सब कर रहा था, पर प्यूपा जो होता है वो इनएक्टिवेटेड होता है, ये कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म करता क्योंकि कवर के अंदर बंद हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैंने लिखी कि लार्वा जो है अपने हेड को 70 से 80 टाइम पर मिनट घुमाता है। घुमाता है मतलब, अब यहाँ पे कीड़ा है, ठीक है, अगर ये कीड़ा है, यहाँ से इसके धागा निकल रहा है, ठीक, तो ये सर जो है वो इन्फिनाइट शेप में ऐसे घुमाता है, ठीक, एक बार सर घुमाया बैठा, फिर एक बार ये निकला तो सर घुमाया बैठा, और ये इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता जाएगा इसके ऊपर वो यहाँ पर इस तरह से बनेगा, ये स्ट्रक्चर इस तरह से बनता जाएगा, और इसके अंदर जो लार्वा है वो पोल के अंदर मिक्स होता जाएगा, लास्ट में चल के पकड़ी बन जाएगी यहाँ पे, इसको हम कोकून बोल देंगे, और लार्वा जो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है। और यहाँ जो खोल की तरह स्ट्रक्चर बनेगा, इसके अंदर लार्वा रहता है, पर ऊपर से ये पूरी एक कवरिंग, इस तरह से कवरिंग जो है मौजूद रहती है, तो ये कवरिंग जो है इसके ऊपर हमेशा मौजूद रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लार्वा पहले था, इस लार्वे के मुंह से जो सिल्क फ्लूइड निकलना स्टार्ट किया, इसने अपनी बॉडी पे उसको चारों तरफ लपेटना स्टार्ट किया, और लपेटते लपेटते लास्ट में पूरी तरह से बॉडी जो है इसकी कवर हो जाती है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट अगर देखें कुकूनिंग के बाद, तो वो आता है हार्वेस्टिंग। जब कुकून बन गया, जब लार्वा अंदर चला गया, प्यूपा में बदल गया, फिर आगे की बात हार्वेस्टिंग। तो कुकून को पांचवें दिन हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। कुकून हार्वेस्टेड ऑन फिफ्थ डे। कोकूनिंग जब स्टार्ट होती है उससे पांचवें दिन तक इंतजार किया जाता है, पर पांचवें दिन जो है हार्वेस्ट कर लिया जाता है। अब हार्वेस्ट किया कैसे जाता है, एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि जो सिंगल एक फाइबर है कोकून का, ये पूरा एक धागा है, इसके बीच में एक भी ब्रेकेज नहीं होगी, इसको अगर खोलने जाएंगे तो ये सिंगल एक धागे की तरह निकलेगा, ठीक है। तो ये एक धागा जो है ये 1000 मीटर से 1500 मीटर का हो सकता है, मतलब 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा हो सकता है, ठीक है, काफ़ी लंबा धागा होता है, 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा हो सकता है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है छठा पॉइंट है आपका स्टिफलिंग, और ये जरूरी पॉइंट है स्टिफलिंग। स्टिफलिंग का मतलब होता है किलिंग ऑफ प्यूपा, प्यूपा को मारना। किलिंग ऑफ प्यूपा, प्यूपा की किलिंग करना। अब ये किलिंग अलग अलग तरह से, नॉर्मली सफोकेशन से होती है, मतलब इनको गर्म पानी में, खौलते पानी में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली किलिंग जो होती है वो सफोकेशन से होती है, सफोकेशन से सफोकेट कराया जाता है, और प्यूपा की डेथ हो जाती है, ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, ठीक है। इस तरह से ये जो प्रोसेस है चलता रहता है। इतने स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं सेरिकल्चर के मैनेजमेंट में। सेरिकल्चर के मैनेजमेंट में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहला स्टेप था कल्टीवेशन करना मलबरी ट्रीज का, मलबरी ट्रीज या कोई भी ट्रीज जो कि सिल्क प्रोडक्शन में अलग अलग टाइप की, चूँकि हम बॉम्बिक्स मोरा या मलबरी सिल्क के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मलबरी सिल्क में मलबरी ट्रीज सबसे पहला जो आपका काम है मैनेजमेंट में, मलबरी ट्रीज अच्छी मात्रा में उगाना। फिर सिल्क वॉर्म्स को पालना, सिल्क वॉर्म्स को पालना, उनके अंडे को पालना, ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करना, जो सही टेम्परेचर सही ह्यूमिडिटी है वो प्रोवाइड करना, जो प्रॉपर फूड है वो प्रोवाइड करना, उनको स्टेरिलाइज करना, ये सारी चीज़ें जो
याद रखनी है। थर्ड पॉइंट था हमारा माउंटिंग, जो भी कोकून जो है जो लार्वा है वो कोकून फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा। फोर्थ पॉइंट है कोकूनिंग, जब कोकून स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, वो जो लार, एक तरह से वो लार ही है, लार मुंह से निकलती है, लार्वा के सलाइवा मुंह से निकलता है, वो जैसे ही एयर के कॉन्टैक्ट में आता है हार्ड हो जाता है, धागे की तरह हो जाता है, और जो कोकून है जो लार्वा है वो अपने बॉडी को पूरी तरह से धागे को लपेट लेता है। इस प्रोसेस को कोकूनिंग बोलते हैं, और जब ये प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तो लार्वा जो है प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। फिर प्रोसेस आता है हार्वेस्टिंग का। हार्वेस्टिंग के प्रोसेस में हम कोकून को हार्वेस्ट करते हैं पाँचवें दिन पे, मतलब पाँचवें दिन तक जो है ये स्टिफलिंग का प्रोसेस होता है। पाँचवें दिन जो है कोकून को या फिर जो प्यूपा है उसको सफोकेट करा के मार दिया जाता है, और उससे जो रेशम है वो ऑब्टेन कर दिया जाता है। ये प्रोसेस था सेरिकल्चर का, ठीक है। अब चूँकि हार्वेस्टिंग और स्टिफलिंग का था ही है, तो एक छोटा सा टॉपिक, छोटा सा पॉइंट और दे देते हैं कि ये जो सिल्क होता है वो एक्चुअली में होता क्या है, सिल्क क्या है। अगर हम यहाँ पे उसका मलबरी सिल्क जो है उसका हम कॉन्स्टिट्यूएंट देखें, कॉम्पोजिशन देखें क्या क्या है, तो मलबरी सिल्क में दो चीज़ें पाई जाएंगी, फाइब्रॉइड प्रोटीन और सेरिसिन प्रोटीन। 80% फाइब्रॉइड प्रोटीन और 20% सेरिसिन प्रोटीन, ये दो प्रोटीन पाए जाते हैं सेरिकल्चर के मैनेजमेंट, सॉरी ये दो प्रोटीन पाए जाते हैं सिल्क, ठीक है। ये सिल्क जो है ये दो प्रोटीन से मिलकर बनता है। ये फाइब्रॉइन जो होता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, वाटर में घुलता नहीं, और जो सेरिसिन होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर में घुल जाता है, पानी में घुल जाता है। तो आपको ये दो चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है, फाइब्रॉइन प्रोटीन FIBROIN फाइब्रॉइन प्रोटीन, और सेरिसिन SERICIN सेरिसिन प्रोटीन। सेरिसिन जो है पानी में घुल जाता है, फाइब्रॉइन नहीं होता। फाइब्रॉइन जो है, सॉरी सेरिसिन की अगर बात करो, सेरिसिन गोंद की तरह चिपचिपा सा पदार्थ होता है, सेरिसिन जो है गोंद की तरह चिपचिपा सा पदार्थ होता है, ठीक। तो एक चीज आपको ये याद रखनी कि जो धागा निकलता है थ्रेड है उसका माउथ है, अब इसको कट करके देखोगे, अगर सिल्क का एक धागा है इसको कट करके देखो, तो जो ऊपर वाली लेयर है ये है सेरिसिन, जो ऊपर वाली लेयर है वो है सेरिसिन, और अंदर जो भरा हुआ है मान लो ये, अंदर जो भरा हुआ है पूरा 80% हिस्सा वो क्या है, फाइब्रॉइन, ठीक है। तो अंदर ब्लैक कलर पूरा जो है फाइब्रॉइन है, ऊपर की जो लेयर है वो क्या है, सेरिसिन। सेरिसिन जो है वाटर सॉल्युबल होता है, ग्लू की तरह होता है, स्टिकी होता है, ठीक। तब यहाँ पे जब तक हार्वेस्टिंग की बात है स्टिफनिंग हो रही है, रॉ सिल्क जो होता है कच्चा सिल्क, रॉ सिल्क जो होता है जो अनप्रोसेस्ड सिल्क है जिसकी प्रोसेसिंग नहीं है, वो रॉ सिल्क क्या होता है, काफी डल होता है और शाइनी बिल्कुल भी नहीं होता, वेरी डल नॉट शाइनी। मतलब सिल्क की तो क्वालिटी होती है काफी स्मूथ, चिकना सा होता है, ठीक है, फिसलने वाला, हाथ रखो तो हाथ फिसल जाए, और बहुत ज्यादा चमकीला होता है सिल्क, चमकता है ना, शाइनी होता है। बट रॉ सिल्क जो होता है वो बिल्कुल भी चमकीला नहीं होता, काफी डल होता है, देख के आपको लगेगा उसका कलर बहुत डल लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे रॉ सिल्क की जो प्रोसेसिंग होती है उसमें क्या क्या होता है, बॉयल करना पड़ता है वाटर में, वो जो सिल्क निकला, सिल्क के फाइबर निकले उनको वाटर में डालना पड़ता है गर्म पानी में, ठीक है, बॉयल करना पड़ता है, उससे क्या होगा, सेरिसिन जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, जैसे पानी में डालेंगे वो पानी में घुल जाएगा, सेरिसिन पानी में होने पर सेरिसिन जो है घुल जाएगा, सेरिसिन के कारण ही ये जो सिल्क है वो डल या फिर शाइनिंग नहीं लगता है। वाटर पानी में बॉइल करने से क्या होगा, सेरेसिन घुल जाएगा, सेरेसिन डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में,
सेरेसिन डिजॉल्व इन वाटर, और जब सेरेसिन पानी के अंदर डिजॉल्व हो गया तो सिर्फ फाइब्रॉइड बचता है और जो सिल्क है और वो स्मूथ और बहुत शाइनी होगा। नाउ सिल्क अगेन वेरी स्मूथ, अब सिल्क जो है काफी स्मूथ हो गया है एंड शाइनी। ठीक है, तो सेरेसिन की जो लेयर होती है उसी के कारण ये जो सिल्क है वो ज़्यादा शाइनी नहीं दिखता है, बट जैसे प्रोसेसिंग हो जाती है सेरेसिन की लेयर हट जाती है और सिल्क जो है बहुत ज़्यादा शाइनी, बहुत ज़्यादा शाइनी एंड विंग लाइट हो जाता है, मतलब कि कलर उसका निखर के आ जाता है सामने, बहुत फिसलन भरा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत मुलायम होता है। ठीक है, तो ये रॉ सिल्क की बात थी। रॉ सिल्क को प्रोसेस करते हैं स्टेप से, जिससे प्योर सिल्क जो ऑपरेट होता है जो कि कमर्शियली यूज किया जाता है। फाइब्रोइन प्रोटीन और सेरेसिन प्रोटीन जो सेलेबरी ग्लैंड होता है, उस सेलेबरी ग्लैंड से ये फाइब्रोइन प्रोटीन भी निकलता है और सेरेसिन निकलता है, दोनों एक साथ निकलते हैं एक ही ओपनिंग से। जब वो निकलते हैं तब तक वो अलग होते हैं, जैसे ही एयर के कॉन्टेक्ट में आते हैं वो दोनों मिक्स होकर एक धागा बन जाता है, एक लेयर बन जाता है, और जैसे ही वो लेयर बनता है वो थ्रेड की तरह धागे की तरह स्ट्रक्चर हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, पर उसको पानी में जब बॉयल करते हैं सेरेसिन की लेयर निकल जाती है, सिर्फ फाइब्रोइन बचता है, वो जो फाइब्रोइन है वही प्योर सिल्क है। ठीक है, तो ये था आपका सेरिकल्चर मैनेजमेंट आज की वीडियो। बच्चे ने हमने सेरिकल्चर मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। ठीक है, अब अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है, कुछ डिजीज है जैसे पेब्राइन डिजीज है, पेब्राइन डिजीज है, पेब्राइन डिजीज जो है वो क्या कहते हैं सिल्क वॉर्म्स में होती है। ठीक है, पेब्राइन डिजीज जो है वो नोजेबल नाम के फंगस के कारण सिल्क वॉर्म में होती है, जो कि हेरिडिटरी डिजीज है। ठीक है, हेरिडिटरी डिजीज है, दैट मीन्स कि वो एक सिल्क वॉर्म से दूसरे सिल्क वॉर्म में जाती है, एक जनरेशन पे इफेक्ट नहीं करती, जिसको हुई है उसको इफेक्ट नहीं करेगी, उसके आने वाले जनरेशन पे इफेक्ट करेगी। और वहाँ पे क्या होगा, इसमें पेब्राइन डिजीज में जो लार्वा है वो अपने लार्वल स्टेज में ही मर जाएगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस कारण से पेब्राइन डिजीज जो है काफ़ी खतरनाक मानी जाती है सिल्क वॉर्म्स के लिए। तो ये था आपका सिल्क वॉर्म का मैनेजमेंट, और हमने सेरिकल्चर जो है अपना वो कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और भी कल्चर मेथड्स के टेक्निक्स जो हैं वो पढ़ेंगे, और अगर सेरिकल्चर में कोई टॉपिक छूटा होगा तो वो भी मैं देख लूँगा, उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।